पावा राखा नहीं ताहो। सर्वस्व उठा लिया। उधर महाराज दशरथ ने, इधर बाबा नंद ने, सर्वस्व क्या है? हीरे मोती जवाहरात वासो लंकार गोधनम, वस्त्र आभूषण और गोधन ही सर्वस्व है क्या? धेनूनाम युते प्रादादित्रेभ्य समलंकृते करते, गायों का श्रृंगार करके गायों के सिंह स्वर्ण मंडित और खोर रजत मंडित लाखों गायों का दान बाबा ने ब्राह्मणों के लिए किया। सूत मागधबंदी जनों के लिए सर्वस्व लुटाया। सर्वस्व क्या? हीरा मोती जवाहरात ही सर्वस्व है? बोले नहीं, सर्वस्व कान्हा है। जीवन का सर्वस्व एकमात्र कान्हा। क्यों? पर जे ही पावा राखा नहीं ताहो, जे ही पावा राखा नहीं ताहो। यदि वस्त्र आभूषण ही सर्वस्व होते तो ब्रजवासी रख लेते या अवधवासी रख लेते, रखते हैं। पर जे ही पावा राखा नहीं ताहो, जिसने पाया उसने अपने पास रखा नहीं। हम कैसे मान लें कि जिसने जो पाया वो रखा नहीं? क्यों? बाबा नंद हो या महाराज दशरथ, हीरे मोती जवाहरात लुटाए, कौन नहीं रखना चाहेगा? अरे जब कल आप लोगों ने टॉफी लूट कर अपने पास रख लिए, खिलौना रख लिया, किसी ने लौटा करके हमको दिया, क्या नहीं दिया ना? तो जो हीरे मोती जवाहरात पाएंगे वो अपने पास रख लेंगे क्या? हाँ, हीरे मोती जवाहरात रखेंगे। और सर्वस्व क्या है? बोले कान्हा हो या राघव हो, राघव हो या माधव हो, यही पावा राखा नहीं का हो। भाई हम वस्तु विशेष रख सकते हैं, सामग्री विशेष रख सकते हैं, पर किसी के पुत्र को, किसी के बालक को नहीं रख सकते। क्यों? दूसरे के बालक का लालन पालन कर पाना कठिन है, असंभव है, असत्य है। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, घुमा करके और लौटा करके बाबा नंद के पास पहुंचा दिया। यही पावा राखा नहीं था हो, हृदय से लगाया लेकिन आगे बढ़ा दिया। हीरे मोती जवाहरात लुटाए, काया मास विधिवत, फिर विधि विधान के साथ में जात कर्म संस्कार आदि हुआ। लेकिन कितनी मतलब की बात है, कितनी पॉइंटेड बात है। बाबा नंद ने विधिवत सभी कर्मों को संपादित किया, लेकिन पूजन कार्य जब किया तो भगवान व्यास ने लिखा पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितरों का पूजन किया बाद में देवताओं का पूजन किया। मतलब कोई कार्य करो, सत्कर्म करो, गृहस्थ का परम कर्तव्य होता है कि पहले वो अपने पितरों का पूजन करें। पितर नहीं होते तो हम आते कहां से? मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, इनमें सब में देव शक्ति का आधान होता है, तब हम सबका संसार में आना होता है। तो हमें कृतज्ञता तो ज्ञापित करनी ही चाहिए। कोई भी कार्य करो, माता पिता का, पूर्वजों का प्रथम पूजन करना ही चाहिए, फिर देवार्चनम तथा, देवताओं का पूजन किया। गोपियों ने सुना कि बाबा नंद के यहां 85 वर्ष की अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ब्रज गोपियां तरह तरह के पदार्थ अपने अपने सिरों में रख करके बाबा नंद और यशोदा को बधाई देने के लिए चल पड़े। आइए हम सब भी बाबा नंद और यशोदा को बधाई दें। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ब्रज गोपियां जब गई थी ना बाबा नंद यशोदा को कान्हा के जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो गाते बजाते और नाचती हुई गई थी। प्रिंस बोलो जय श्री राधे,
तो हम सब भी नाचते गाते और झूमते हुए चलेंगे। चलो देख आऊं नंद घर लाला हुआ, सब लोग आएंगे। सुमन समर्पित कान्हा के चरणों में। चित्रकूट की अपनी संस्कृति है, चित्रकूट की अपनी महिमा है। बड़े प्रेमी होते हैं चित्रकूट के लोग और हमको बड़ी खुशी होती है। मारवाड़ी भाई कहीं भी जाएंगे अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करेंगे, पंजाब के भाई लोग कहीं भी जाएंगे पंजाब की भाषा में बात करेंगे, गुजरात के भाई लोग कहीं जाएंगे गुजरात की भाषा में बात करेंगे। हमहू का चाहिए कि हमहू अपय भाषा का प्रयोग करन, प्रिंस बोलो जैसे गर्व होवा चाहिए। और हमार भाषा नीक न होतना तो भगवान राम सुने जाते ही ना चित्रकूट, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। हाँ चित्रकूट की भाषा सुनेंगे रहे हैं। हाँ तो आइए सब लोग पावन कथा में प्रवेश करें। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत वागद वंदिभ्यो एने विद्योपजीविना। बाबा नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आह्लाद हुआ, सब आनंदित है आह्लादित है। कृष्ण जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जिस कृष्ण जन्म महामहोत्सव को कल हम लोगों ने मात्र आधा घंटा या 40 मिनट मनाए, ये 6 महीने तक में ब्रज में मना, ऐसा संत जनों का कथन है। एक दिन बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों अरे जन्मोत्सव ही मनाते रहोगे कुछ और भी याद करोगे? बोले बाबा क्या याद करें, जो याद करने योग्य हम सब याद कर रहे हैं। बाबा नंद ने कहा नहीं, जन्म के साथ उत्सव के साथ साथ हमें महाराज कंस को भी नहीं भुलाना चाहिए, महाराज कंस के कर को भी नहीं चुकाना भुलाना चाहिए और समय पर कर चुकाना चाहिए हमको। ब्रजवासी दुखी हो गए, बाबा ये आपने क्या किया, बनी हुई खीर में नमक डालने का कार्य किया बाबा। अरे इस उत्सव के सामने सब कुछ हम भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं। बाबा ने कहा नहीं नहीं याद करना पड़ेगा, राजा समय पर टैक्स कर चुकता नहीं होगा तो राजा है, कोई भी फरमान जारी कर सकते हैं, क्या कर लोगे, उलझ जाओगे। समझदारी तो इसी में है कि उत्सव भी हम मनाते रहें और समय पर कर भी हम चुका लें। ठीक है, सबकी चलने की इच्छा नहीं है, न चलिए, परस्पर प्रतिनिधित्व स्वीकार करिए। दो का चार का, एक चले चार के बीच में, 6 के बीच में। ब्रजवासियों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और अपना अपना प्रतिनिधि बना करके अपने प्रियजनों को बाबा नंद के साथ में भेजा। सब अपने अपने क्षेत्रों में सामग्री रख करके और चल पड़े बाबा नंद के साथ में। कहा बोले महाराज कंस का कर चुकाने के लिए। गोकुल से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं, 2.5 से 3 किलोमीटर, जमुना के उस पार गोकुल, इधर मथुरा। लेकिन गोकुल मथुरा का घाट गहरा होता तो ब्रजवासी थोड़ी घूम करके आते, ऐसे घाट को देखते जहां से छकड़ा उतर सकता था, ब्रजवासी पार हो सकते थे। बाबा नंद के साथ में ब्रजवासी आए हैं, महाराज कंस का कर चुकाया है। अच्छा एक बात बताएं, कर चुकाने आते थे तो दूर चल करके आते थे, कर तो चुकाते, थक जाते तो मध्याह्न काल में विश्राम करते, अपने अपने ठहरने का प्रबंध करके आते, छाया का प्रबंध लेकर के आते, विश्राम करते मध्याह्न में। और जैसे जैसे सूर्य ढलने लगते थोड़ी शीतलता आती तो पुनः अपने अपने छकड़ों को तैयार करके ब्रजवासी बाबा नंद के साथ वापस गोकुल पहुंच जाते थे। आज बाबा नंद ने कर तो चुकाया,
विश्राम किया। लेकिन बसदेव जी को जब ज्ञात हो गया कि बाबा नंद आए हैं, बाबा नंद आए हैं, तो बसदेव जी ने कहा चल करके मिलना चाहिए, बालकों की कुशल क्षेम पूछनी चाहिए, एक रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और दूसरे को मैं छोड़कर आया हूं। पर बाबा नंद जिसको मैं छोड़कर आया हूं अपना मानते हैं, पर मुझे वहां बंटवारा करने थोड़ी जाना है, स्पष्टीकरण थोड़ी करने जाना है, मुझे तो बालकों को देख करके कुशल क्षेम पूछ करके चले आना है और बाबा के रूप में ही मैं दोनों बालकों को देखूंगा, क्योंकि बाबा बालकों को लेकर थोड़ी आए हैं, चलना चाहिए। बसदेव जी महाराज चले हैं और जैसे ही निवास स्थान के निकट बसदेव जी पहुंचे, बाबा नंद को ज्ञात हो गया बसदेव जी आ रहे हैं, अपने निवास स्थान को छोड़ा और सामने देखा तो बसदेव जी चले आ रहे थे। बसदेव जी ने बाबा नंद को देखा, नंद जी ने बसदेव जी को देखा, दोनों मित्र दौड़ते हैं और परस्पर एक सुख शांति में भर लेते हैं। बड़ा करुण मिलन होता है दो मित्रों का। बाबा नंद के आंखों से आंसुओं की धार है, बसदेव जी के आंखों से आंसुओं की धार है। बसदेव जी माना कि रो रहे इसलिए कि उनके छह छह पुत्रों को कंस ने मार दिया, सातवां उनको मिला नहीं लोक दृष्टि में और आठवीं कन्या हुई उसको भी दुष्ट ने छोड़ा नहीं, शायद इसलिए रो रहे हैं। पर बाबा नंद क्यों रो रहे हैं? आइए सुखदेव स्वामी के शब्दों में। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बाहु हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है बसदेव जी, कंस ने आपके छह छह पुत्रों को मार दिया, सातवां आपको मिला नहीं, आठवीं कन्या हुई एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। आठवीं कन्या हुई, उस आठवीं कन्या को इस दुष्टात्मा पापात्मा ने नहीं छोड़ा, मारना चाहा, लेकिन वह तो देवी निकली, अनंत आकाश को चली गई, हमें दुख है। बसदेव जी आपके छह पुत्र मारे गए इस बात को लेकर के दुख है, कष्ट है। पर क्या रोने से बालक मिल जाएंगे? नहीं ना। तो जब मिल नहीं सकते हैं तो बसदेव जी रोना धोना कैसा? आपका एक बालक हमारे यहां पल ही रहा है, हमारे बालक को भी आप अपना ही मानो, अपना ही जानो। बसदेव जी ने पहले तो बाबा नंद के आंखों के आंसुओं को पूछा और फिर अपने आंखों के आंसू पहुंचते हुए कहा, नंद जी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि छह छह पुत्र मुझे नहीं मिले, सातवां गर्भपात हो गया, आठवीं कन्या नहीं, तो क्यों रो रहे हैं बसदेव जी? बसदेव जी ने कहा रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं, खुशी के प्रसन्नता के। बाबा नंद ने कहा खुशी किस बात की, छह छह पुत्र मारे गए इसकी? बसदेव जी ने कहा नहीं नहीं भैया, तो किस बात की प्रसन्नता है बसदेव जी? बसदेव जी ने कहा भैया जब मालूम हुआ कि 85 वर्ष की अवस्था में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मन मयूर नचने लग गया, हृदय का सागर हिलोरे भरने लग गया और सोचने लगा मैं कि कब बाबा आनंद, कब मेरे मित्र, कब मेरे सखा मुझे मिले, मैं बाबा जी बधाई दूं। बाबा जी इस अवस्था में पुत्र रत्न होने पर आपको कोटि कोटि शाह बधाई, बहुत बहुत बधाई, लाखों लाखों बधाइयां। बाबा नंद ने बसदेव जी को हृदय से लगा लिया, वाह बसदेव जी तुम पूर्ण साधु हो, दूसरे के सुख को सुनकर के अपने गम को भुला दिया, संत की परिभाषा क्या है, यही तो संत की परिभाषा है।
बसदेव जी ने कहा, बालक कुशल है ना? बोले हाँ। बाबा जी आपने कर चुका लिया? बाबानंद ने कहा, करो वही वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयम चवह नेहस्ते बहुतिथम संत्युत्पाता गोकुले। आपने कर चुका लिया, हम दोनों मित्रों का परस्पर मिलन भी हो गया, मैंने बालकों की कुशलता भी पूछ ली, पर ये बताओ जब आप गोकुल से चले थे किसी प्रकार का कोई रोग आदि तो नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो? बाबानंद ने कहा, कुछ भी तो नहीं था। बसदेव जी ने कहा, अब आपको अविलंब यहां से चल देना चाहिए। क्यों? बोले संत्युत्पाताश्च गोकुले, किसी भी समय गोकुल में कोई भी उत्पात हो सकता है, आप यहां पर न रुके वही अच्छा होगा। बाबा नंद ने साथ आए हुए ब्रजवासी उसका, भैया चलो महात्मा है बसदेव जी, ये जो कहते हैं घटना घट जाती है, इसलिए हमको ज्यादा समय रुकना चाहिए नहीं चाहिए, अचल देना चाहिए। बाबा नंद ब्रजवासियों को लेकर के छकड़ों में बैठ बैठ करके चल पड़े, पर बाबा नंद पहुंचे गोकुल उससे पहले हम सब पहुंचते। क्यों? बाबा नंद राजा है ब्रज के, और राजा जब कहीं पहुंचता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, तो इसलिए हम स्वागतार्थ पहुंचते हैं गोकुल में। क्या होता है? भगवान सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शेषो सचार निघनंती पुरग्रामो ब्रजादिशो। कंसेन प्रहिता घोरा, तुम हमारे कहीं देखते हो तो अच्छा लागत है गुरु जी, यंग है जाखा करो, हाँ अच्छा लागत। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाति, कंस के द्वारा प्रेषित है एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना। पूतना काम क्या है? बोले बाल घातनी, शिशु सचार निघ्नंती पुरग्रामो ब्रजादिषु, गांव नगर बस्तियों में घूम घूम करके वो पूतना नन्हे मुन्ने बालकों को पकड़ करके मार देती है और उसके गर्मा गर्म खून का पान कर लेती है। चलते चलते यह पूतना धीरे धीरे गोकुल नगरी के निकट पहुंची, देखती क्या है कि यहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने कहा, भादों के महीना में उत्सव गोकुल में, बाबा नंद की नगरी में उत्सव क्यों? भादों में शादी तो होती नहीं और मरण में उत्सव मनाया जाता नहीं, इसका मतलब यह कि यहां भी किसी बालक ने जन्म लिया है और चल करके अपने स्वामी महाराज कंस का कार्य करना चाहिए। पूतना गोकुल में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन कौन है? बोले राक्षसी है। शिशुंस चचार निघ्नंती पुरग्रामो ब्रजादिषु, पुरग्रामो ब्रजादिषु, पुरग्रामो ब्रजादिषु। राक्षसी है पूतना, ने सोचा यदि इस रूप में मैं प्रवेश करती हूं तो मैं अंदर नहीं पहुंच पाऊंगी। क्यों? मैं राक्षसी हूं, मेरे विकराल रूप को देख करके ब्रजवासी मुझे छोड़ेंगे नहीं, और जब मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगी तो अपने स्वामी का कार्य नहीं बना पाऊंगी, और स्वामी का कार्य नहीं बनाऊंगी तो मेरे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मैं स्वामी के कार्य को बनाने के लिए निकली हूं ना। राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं, माया से नाना रूप धारण कर लेते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोकुल नगरी में प्रवेश मिले इसलिए पूतना ने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया,
क्या किया? योषित्वा माये आत्मानम प्राविशत्कामुचारिणी, योषित्वा मायात्मानम प्राविशत्कामुचारिणी। सुंदर स्वरूप बना लिया राक्षसी पूतना ने, आहा सुंदर सी साड़ी, बनारसी साड़ी मंगाया, साड़ी पहन लिया, पाजी पहन लिए, कमर करधनी पहन ली, बाजूबंद और कंगन पहन लिया, सुंदर वाले टप्स पहना है, और नथ को तो पूछना ही क्या, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। सुंदर मत्था में बिंदी लगाया है, और वो सिंदूर भी डाल लिया है, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। और सुंदर चोटी गूंथ ली है, मैचिंग वाला बैग टांग लिया है, क्योंकि आगे श्रृंगार करना होगा ना, तो सब डालना पड़ता है बैग में, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। और ऊंची एंडी वाले सैंडल पहन लिया, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। क्या बात है, योषित्वा माये आत्मानम प्राविशत कामचारिणी। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण का दर्शन करने के लिए जा रही हो। मतलब सुंदर रूप क्यों बनाया? माने भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी, और प्रेरक रघुवंश विभूषण तो मुझ तक पहुंचना चाहती है, भले ही अंदर तो हालाहल लगा लेना परवाह नहीं, पर कम से कम बाहर तो सुंदर बन जाना, पाउडर तो लगा ही लेना, प्रिंस बोलो जय श्री राधे। हाँ एक बार तू आ जा, बाकी मेरी चिंता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण माने भगवान ने प्रेरणा दी कि ऊपरी ही भाव सुंदर बना लेना, अथवा यूं कहिए कि हम सब लोग भी जब ठाकुर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो सुबह जग करके सीधे ठाकुर बाड़ी में पहुंच जाते हैं कि पहले स्नान करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तब जाते हैं पूजा घर में। कैसे जाते हैं? स्नान करके ना, सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर पवित्र वस्त्र पहन करके फिर ठाकुर की बाड़ी में जाते हैं। क्यों? देवो भूत्वा देवम गिरेत, देवता का पूजन देवता बनकर के ही करना चाहिए, होना चाहिए। माने भगवान ने कह दिया तो ऊपर ही सुंदर बन जाना। पूतना ऊपर सुंदर बन गई और प्रवेश करती है। पूतना सुंदर बनती है, बनकर के जाती है भगवान के पास, इसलिए सुंदर बनती है कि राक्षसी बनकर जाऊंगी तो ब्रजवासी छोड़ेंगे नहीं, और सुंदर बनकर जाऊंगी तो मैं अपना कार्य करके आ जाऊंगी, बालक को मार करके स्वामी कंस का कार्य करके आ जाऊंगी। लेकिन इतना सोचने के बावजूद भी पूतना मारी गई। क्यों? हो सकता है राक्षसी के रूप में जाती, ब्रजवासी लोग उसको मारने के लिए दौड़ते, भाग खड़ी होती, बच सकती थी, मार्ग था, उपाय था, पर सुंदर बन करके गई इसलिए निश्चित रूप से मारी गई। क्यों? हम एक बात बार बार कहा करते हैं, कथा को जीवन से घटाना चाहिए, जीवन से ढालना चाहिए, कथानक सुन करके नहीं निकल जाना चाहिए। कहानी तो कोई भी कह सकता है, पर इस कथा का संबंध, जो कथा हम सुन रहे हैं उस कथा का संबंध हमारे साथ क्या है, हमारे जीवन के साथ कैसा संबंध है, समाज के प्रति उस कथा की उपादेयता क्या है, विचारणीय पक्ष यह है। ये तो हर कोई कह देगा कि भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पर पूतना क्या है और पूतना क्यों मारी गई है? कथा सारम एक बात बताएं, प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी छेड़खानी करेगा, वो मारा जाएगा, चाहे वो पूतना हो, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा वो मारा जाएगा। पूतना मारी गई
प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है। पूतना राक्षसी के रूप में जाती, बच जाती, लोग मारने को ही दौड़ते ना, राक्षसी आई मारो भगाओ, भगदड़ मच जाती, भाग जाती, बच सकती थी। लेकिन नहीं, जब परमात्मा ने उसको राक्षसी के रूप में निर्मित किया था तो ये सुतामा यात्मानम प्राप सत्कामचारिणी, सुंदर रूप बनाने की जरूरत क्या थी? प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया, मारी गई। मतलब यदि हम भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, और हम भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। वही का परिणाम है कि आज समय पर बरसात नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं आती है, और सर्दी भी ज्यादा दिनों तक नहीं पड़ती है। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है। और आज यदि हम सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके संभव है कि हम आलीशान बंगले बना सकते हैं, संसार के साथ जीवन जी सकते हैं, लेकिन पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ रहा है, कभी विचार किया, कभी मंथन किया? करना चाहिए और करना होगा। जब तक पर्यावरण पर चिंतन नहीं करेंगे, यह समझना चाहिए कि हम काल कवलित होते जा रहे हैं, अपने काल को अपने तरफ बुला रहे हैं, और यहां तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिटाने के लिए हम आगे आकर्षित हो रहे हैं। आज हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, थोड़ी सी चिंतन करें, कुछ चर्चा करें। भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, जहां पर पर्वत अपेक्षित थे पर्वत स्थापित किया, जहां पर नदियां प्रवाहित करने जो थी नदियां प्रवाहित की, जहां पर वृक्ष उगाने थे वृक्षों को उगाया, और जहां पर बस्तियों को बसाना था वहां पर बस्तियों को बसाया, पृथ्वी को स्थापित किया भगवान ने, प्रकृति के नियमों को बनाया, संतुलन बनाया पृथ्वी का। ऐसे ही जैसे हम कोई वस्तु तौलते हैं तो एक तरफ बाट और एक तरफ वस्तु रखते हैं, बाट की तुलना में वस्तु को रखते हैं, जब तक कांटा बराबर नहीं हो जाता हम वस्तु रखते जाते हैं, यदि वस्तु ज्यादा हो गई बाट ऊपर आ गया तो वस्तु उतार लेते हैं, बाट नीचे है तो वस्तु को रखते हैं, एक संतुलन बनाते हैं। यदि कोई भी कम ज्यादा है तो प्रयास करते हैं कि बाट यदि भारी हो रहा है तो वस्तु रखो, वस्तु भारी है तो बाट को संतुलित करने के लिए वस्तु को हटाओ, ये नियम कहता है। आज हम सब लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्वत तोड़े जा रहे हैं, नदियां अवरुद्ध की जा रही हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, पानी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है, पानी का लेवल नीचे चला गया है। एक समय था जब नदियों में लोग स्नान करते थे और कुएं से जल निकाल करके जलपान करते थे, जीवन की रक्षा करते थे, खेत भी सींचना होता था तो रहेट के द्वारा जल निकाल करके खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन बोरिंग नहीं होती थी। आज हम लोग खेतों को सींचने के लिए 10 फीट की दूरी पर हम लोग ट्यूबवेल लगा रहे हैं, और इतना ही नहीं, एक समय होता था कि घर में झाड़ू माताएं लगाती थी, पुरुष भी लगाते थे। आजकल घर की सफाई करने के लिए नल में पाइप लगा करके पानी का प्रेशर मार करके सफाई की जाती है, इतना पानी का दुरुपयोग हो रहा है, बहाया जा रहा है। जल ही जीवन है, झाड़ू से साफ करो, गीले कपड़े से पोछा लगा दो, पानी की बचत होगी। अकारण पानी को नहीं बहाना चाहिए। आज विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि आने वाले समय में युद्ध होगा, और युद्ध होगा किसी और के लिए नहीं, केवल पानी के लिए युद्ध होगा। हम लोग पानी को अकारण बहा रहे हैं, रुकना होगा। वृक्ष काटे जा रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं
ऋतुएं समय पर नहीं आती हैं, गर्मी बनी रहती है अपने।